हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु मंदिरों में या घरों में होने वाली दैनिक पूजा विधान में देवी देवताओं की आरती पूर्ण होने के बाद कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य रूप से करते हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी यज्ञ या पूजा संपन्न हो जाती है यानी पूरी हो जाती है तो उसके बाद भगवान की आरती की जाती है और आरती के पूरा होते ही एक दिव्य व अलौकिक मंत्र को विशेष रूप से बोला जाता है। चलिए इस अलौकिक मंत्र को एक प्यारी सी बच्ची से सुनते हैं। अलौकिक मंत्र के प्रत्येक शब्द में भगवान शिव की स्तुति की गई है। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार यानी सर्पों के हार को धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता पार्वती सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी देवी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की ये स्तुति विष्णु भगवान ने शिव पार्वती विवाह के समय गाई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान वासी हैं, उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी प्रवृत्ति वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य और सुंदर है। भगवान शिव को मृत्यु लोक के देवता के साथ साथ पशुपति नाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य सहित उन सब का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस संसार का अधिपति है वह हमारे मन में वास करे। शिव शमशान वासी है जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। ऐसे शिव जी हमारे मन में शिव वास कर हमारे मृत्यु के भय को दूर करें। हम सब उन्हें नमन करते हैं।